आज पूर्णिया शहरी क्षेत्र में अपराध यातायात नियंत्रण एवं आम जनों के सुरक्षा के मद्देनजर समाहरणालय पूर्णिया में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र पूर्णिया का विधिवत उद्घाटन पूर्णिया डीएम एसपी एवं नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से किया। इसके लिए पूरे शहर को 6 भागों में बांटा गया है और शहर को PTZ ANPR एवं बुलेट अलग अलग तरह के करीब 200 कैमरे से लैस किया गया है। इन कैमरों की खासियत यह है कि यह चलती गाड़ी से किसी का भी फोटो वीडियो ले सकती है। कैमरा लगने से शहर में होने वाले अपराधों में लगाम लगेगी, साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले गाड़ियों का फोटो लेकर ऑनलाइन चालान भी करेगी। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। क्या इससे फायदा होगा? आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए लगभग 172 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि बुलेट कैमरा जो यूनिडायरेक्शनल होता है वो, PTZ जो 360 डिग्री होता है, और उसके बाद ANPR कैमरा भी लगाए जाने विद ड्यू परमिशन। इसके अंतर्गत जो है पूरा का पूरा क्राइम कंट्रोल से लेके ट्रैफिक का रेगुलेशन और उसके अलावा भी जो सुव्यवस्थित पूरा सारा कुछ होना चाहिए शहर में, उसको बहुत अच्छे से यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर किया जाएगा। कोई प्रोसेसन है या कुछ भी है तो वो सारा का सारा चीज़ मॉनिटर हो सकता है। उसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि जोन सिस्टम में बांटा गया है पूरे शहर को, तो हर जोन के लिए जो है अलग से यहाँ पे लोग भी रहेंगे जो उसको मॉनिटर करते रहेंगे। इसके अलावा जूम पूरा किया जा सकता है, जूम करके भी जो है देखा जा सकता है, और साउंड सिस्टम भी है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। और इनफैक्ट इसमें AI एनेबल्ड भी दिख रहा है कैमरा, आप देखेंगे कि वो जो है उसमें स्क्वायर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि ये और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो RCD के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट की कमी थी वो भी बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि विद इन 1 month जो है वो भी हो जाएगा। तो एक जो मॉडर्न सिटी के रूप में आउटलुक होता है वो पूर्णिया का दिखेगा। बहुत अपराध भी कंट्रोल होगा। बिल्कुल, SP साहब यहाँ हैं, बताएंगे। बहुत बहुत बड़ा दिन है आज पूर्णिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और मैं देख के इसको अभिभूत हूँ। बहुत पहले से मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ये हो जाता है तो पूर्णिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो सबसे बड़ा हम प्रभावित हैं छोटे क्राइम से, जो चेन स्नैचिंग की क्राइम है, बाइक चोरी की क्राइम है, वो हमको लगता है कि अब इस पर हम लोग लगाम लगा सकेंगे। थैंक यू। इसके अलावा जो ट्रैफिक चालान वगैरह होता है क्या वो भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रैफिक चालान को भी हम लोग ANR कैमरा के बाद इसी पर लाने की कोशिश करेंगे ताकि सुव्यवस्थित हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, कहना नहीं पड़े। जैसे अभी हमारे मेट्रो सिटीज़ में होता है, तो वो उस पर हम लोग कम्पीट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पूर्णिया बहुत अच्छा करेगा। लाइट भी यहाँ पे नगर निगम जो है, नगर निगम एरिया को एक सुंदर निगम बनाने के लिए हम लोग शुरू से प्रयासरत रहे हैं। इसी में जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है और जो ट्रैफिक को बेहतर कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पहले स्टैंड भी बनाया है, ट्रैफिक लाइट भी लगवाया। इसी में CCTV एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल नहीं करते हैं, पुलिसिंग अच्छी कर रही है लेकिन जहाँ पे ह्यूमन डिस्क्रिप्शन होता है कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, उसी ह्यूमन डिस्क्रिप्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ऑटोमेटिक CCTV लगाया है, ताकि कोई भी नियमों का उल्लंघन करे ऑटोमेटिक चलान उसका कट के उसके मोबाइल पे चला जाए। तो एक बार वो देखता है कि चलान कटने की जब 100% सियोरिटी है तो अपने आप ही जो है अनुपालन करने लगता है सारे नियमों का। इसी के तहत हम लोगों ने 172 कैमरे का प्रोविज़न है, अभी हम लोगों 80 कैमरा फंक्शनल हो गया है। ANPR कैमरा में कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं जो डिपार्टमेंट से हम लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद हमको विद इन 15 days में ये पूरा सिस्टम हम लोगों का फंक्शन हो जाएगा। किस किस तरह के कैमरा लगाए गए? 3 तरह के कैमरे हैं। एक बुलेट कैमरा होता है जो कि यूनि डायरेक्शनल होता है, वो ऑल वेदर होता है, चाहे किसी तरह का वेदर हो उसमें वो काम करेगी। एक होता है PTZ कैमरा जो कि 360 होता है, और उसको जूम इन जूम आउट करके दिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्राइम करे कोई चला गया, उसका फुटेज से हम जूम करके उस अगर कोई गाड़ी में भी बैठा हुआ उसका चेहरा हम देख सकते हैं, उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी हम लोग रीड कर सकते हैं उससे, तो वो PTZ हो गया। एक ANPR होता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर बोलते हैं उसको, तो उसमें जो भी अगर वायलेशन करता है, मान लीजिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग करके वो गाड़ी लगाता है या ट्रैफिक लाइट को वायलेट करके भागता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो ऑटोमेटिक जो है नंबर प्लेट रीड कर लेगा और उसके ट्रांसपोर्ट के रजिस्ट्रेशन से वो लिंक रहेगा, तो ऑटोमेटिक जो है उसके चलान जो है, जैसे मान लीजिए कि सीट बेल्ट नहीं लगाने का 1000 रुपये फ़ाइन है, तो ऑटोमेटिक 1000 रुपये का चलान जो है उसके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। तो जब तक वो आगे का वो चलान नहीं पे करेगा तब तक वो आगे कोई भी काम अपने गाड़ी का नहीं करा पाएगा, तो वो कहीं व्यवस्था भी ऑटोमेटिक बेहतर हो पाएगी और क्राइम कंट्रोल भी हम लोग कर पाएंगे।
बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वियर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन्स, किड्स वियर सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।